गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडी अबाउट इंग्लिश ऑफ थर्ड चैप्टर विच नेम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास थर्ड का चैप्टर 3 है जिसका नाम द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन है। आज हम लोग इस वीडियो के आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट एट फर्स्ट आई विल रीड दीज लाइन, आफ्टर दैट यू विल आल्सो रीड दीज लाइन फॉर योर कंफर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ये पैराग्राफ है, ये लाइंस दिए हैं, उसको एक बार हम लोग रीड करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ रीड करेंगे, जिसके पास बुक है वो अपने बुक को सामने रखकर लाइन पे जो है पेंसिल रखकर या हाथ रखकर वो हमारे साथ जो है एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद जो है इस पैराग्राफ का हम आपको मीनिंग बताएंगे या इस पैराग्राफ का आपको हम अर्थ बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विच नेम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन। द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन मीन्स सबसे सुंदर, या कह सकते हैं आप सबसे सुंदर औरत, या आप लोग कह सकते हैं सबसे अधिक सुंदर वाली औरत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर 3 को। एवरीवन हैज समवन हु इज वेरी डियर एंड नियर टू देम। आई डू टू। सी हैज ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, एंड सी इज वेरी टॉल। सी इज माई मदर। माई मॉम शेयर्स एवरी थिंग्स विथ मी। सी टेल्स मी अबाउट द थिंग्स आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन आई ग्रो अप। व्हेन आई हैव बैड डेज माई मॉम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। एट टाइम्स सी इट्स कॉल्स मी, बट आई नो दैट इट इज ओनली फॉर माई ओन गुड। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई मॉम। वी प्ले गेम्स एंड वी कुक न्यू थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ ऑल वी इंजॉय रीडिंग। वी रीड मोरल स्टोरीज। मॉम टेल्स मी अबाउट द ओल्डन डेज, व्हाट दे यूज टू डू व्हेन दे डिड नॉट हैव एनी कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स। दे यूज टू प्ले विथ डॉल्स। सी टेल्स मी अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथेज सी यूज टू वियर एंड द काइंड्स ऑफ थिंग्स सी यूज टू वर्क विथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा, अब जो है हम इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग जो है इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैज समवन, सॉरी एवरीवन हैज समवन हु इज वेरी डियर एंड नियर टू देम। कह रहा एवरीवन हैज, हर किसी के पास, समवन हु इज वेरी डियर, हर किसी के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज वेरी डियर, जो उसे बहुत प्रिय होता है, एंड नियर टू हिम, और उसके नजदीक होता है। आई डू टू,
मेरे पास भी ऐसा कोई एक व्यक्ति है। सी हैज ब्लैक हेयर, उसके पास क्या है? काले बाल हैं। ब्लैक आईज, काली आंखें हैं। एंड सी इज वेरी टॉल, और वह जो है बहुत लंबी हैं। सी इज माई मदर, वह कौन है? वह मेरी माता जी हैं। यानी वो कह रहा है कि हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे बहुत प्रिय होता है और जो उसके बहुत नज़दीक होता है। तो वो कहता है मेरे पास भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बाल क्या हैं? काले हैं, आँखें उनकी ब्लैक हैं और वो जो है बहुत लंबी हैं। तो वो व्यक्ति है कौन? वो जो है मेरी माँ हैं। माई मॉम शेयर्स एवरीथिंग विथ मी, मेरी जो माता जी हैं वो शेयर्स मतलब साझा करती हैं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, विथ मी मीन्स मुझसे, मेरी माँ मुझसे सब कुछ जो है शेयर करती हैं। सी टेल्स मी अबाउट द थिंग्स, सी टेल्स मी अबाउट द थिंग्स, वे मुझसे वस्तुओं के बारे में कहती हैं। आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं उनकी देख रेख करूंगी। व्हेन आई हैव बैड डेज माई मॉम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। व्हेन आई हैव बैड डेज, वो कहती है यानी लड़की कह रही है, जब मैं बुरे दिनों में थी या जब मैं मुसीबत में थी, माई मॉम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट, तो मेरी माँ हमेशा जो है मेरी मदद करने के लिए तैयार रहती थी, या मेरी माँ हमेशा मेरी मदद करती थी। एट टाइम्स सी स्कोल्ड मी, एट टाइम्स मतलब उस समय वह जो है मुझे स्कोल्ड मीन्स डांटना, कह रहा है एट टाइम्स सी स्कोल्ड्स मी, उस समय वह मुझे डांटती भी थी। बट आई नो, लेकिन मैं जानती थी डैट इट्स ओनली फॉर माई ओन गुड, कि वह मुझे क्यों डांट रही हैं, वह मुझे मेरी अच्छाइयों के लिए ही डांट रही हैं। आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ माई मॉम, लड़की कह रही है आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, मैं अधिक से अधिक समय गुजारती हूँ या व्यतीत करती हूँ या पास करती हूँ विथ माई मॉम, अपने माँ के साथ। आप लोग भी अपने माँ के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे, उनसे अपनी बातों को शेयर करते होंगे, ठीक है? आपकी भी माता जो है आपके एडवर्सिटी में आपकी हेल्प करती होंगी। वी प्ले गेम्स एंड वी कुक न्यू थिंग्स, वी प्ले गेम्स, हम जो है खेल खेलते हैं, एंड वी कुक न्यू थिंग्स, और हम नए चीज़ों को बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि ये जो मदर है और उनकी ये डॉटर जो है दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ जो है ये गेम खेल रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कौन सा गेम है? बट मोस्ट मीन्स लेकिन, बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में जो है सबसे अधिक वी एंजॉय रीडिंग, हम लोग सबसे ज़्यादा किस में एंजॉय करते हैं, किस में आनंद लेते हैं? रीडिंग मीन्स पढ़ने में। और आप लोगों को क्या होता है कि अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग को जैसा लगता है कि कोई सजा दी गई हो, यानी अगर आपको खेलने के लिए कह दिया जाए तो आपको तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन जब आप लोगों को पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग अपने इस चैप्टर से ही सीखिए कि क्या करिए, जो लड़की है वो क्या कहती है कि मैं अधिक से अधिक समय रीडिंग करने में ही मुझे अच्छा लगता है, यानी पढ़ने में उसे सबसे अच्छा लगता है। तो क्या आप लोग भी पढ़ेंगे ना? हमें उम्मीद है कि आप लोग भी मैक्सिमम टाइम जो है रीडिंग में ही स्पेंड करेंगे। वी रीड मोरल स्टोरीज, वी रीड मीन्स हम पढ़ते हैं, मोरल स्टोरीज मतलब कुछ नैतिक कहानियाँ। मॉम टेल्स मी अबाउट द ओल्डन डेज, मैम जो है मुझे बताती हैं या मेरी माँ मुझे बताती हैं, ओल्डन डेज मतलब पुराने समय के बारे में या बीते समय के बारे में। व्हाट डे यूज टू डू व्हेन दे डिड नॉट हैव एनी कंप्यूटर,
वो कहती हैं कि उस समय वे क्या यूज करती थीं जब दे डिड नॉट हैव एनी कंप्यूटर, जब उनके पास कंप्यूटर नहीं था और मोबाइल फोन्स या फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो उस समय वे क्या यूज करती थीं। दे यूज टू प्ले विथ डॉल्स, वे गुड़ियों के साथ खेलती थीं। शी टेल्स मी अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथेज, वह जो है मुझे कपड़ों के प्रकार के बारे में बताती हैं। शी यूज टू वियर एंड द किंग काइंड ऑफ थिंग्स शी यूज टू वर्क विथ। कह रहा शी यूज टू वियर, शी यूज मतलब वो इस्तेमाल करती हैं या प्रयोग करती हैं, टू वियर मीन्स पहनना, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स और जो है वस्तुओं के जो प्रकार होते हैं, शी यूज टू वर्क विथ और जो वस्तुएं होती हैं कुछ उनका वो किस तरह करती हैं, उसको काम में ला के करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज यहीं तक रखेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है पार्ट टू है उसमें हम आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को एक बार या दो बार जो है देखें, समझें। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे इसको चाहे जब देख सकते हैं। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद, और आप लोग अपने घर पे अच्छे से रहें, दूरी बनाए रखें और कोरोना वायरस से बचे रहें। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है कि हर एक व्यक्ति से डिस्टेंस बनाए रखें, हमेशा जो है हैंड वॉश किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।